उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मुख्य प्रधान प्रबंधक प्राविधिक व नोडल अधिकारी जयदीप वर्मा ने शनिवार को गोरखपुर के परिवहन निगम डिपो के निरीक्षण के पश्चात कहा कि डिपो की बसों में काफी कमियां पाई गई हैं, जिसके लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों को कमियों को दूर करने के लिए निर्देशित किया गया है। जयदीप वर्मा ने कहा कि बसों के अंदर कई बसों की सीटों के फटना, बसों के अंदर गंदगी व पेंट का उजड़ना, ये सब कमियां पाई गई हैं जिसे दूर करने के निर्देशित किया गया है। जयदीप वर्मा ने कहा कि गोरखपुर से काठमांडू बस सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी, जिसके तहत लोग बस से गोरखपुर से काठमांडू तक का सफर कर सकेंगे। वहीं होली पर्व को लेकर गोरखपुर डिपो को 300 बसें उपलब्ध कराई गई हैं, जिसका जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मुख्य प्रधान प्रबंधक प्राविधिक व नोडल अधिकारी जयदीप वर्मा ने कहा, थोड़ा उसको उसके अनुसार करेंगे, पारदर्शी भर्ती का हो गया है और ड्राइवर का निरंतर चल रहा है, ड्राइवर का थोड़ी कमी जरूर है, हमने मानदेय भी बढ़ा, तो उसके बाद भी हमारा प्रयास है निरंतर की टेस्ट लिया जा रहा है। यदि आप भी प्रचार प्रसार कर दीजिए हमारे कुछ बसों में कमियां मुझे पाई। एक सुनौली डिपो में कुछ सफाई धुलाई जो बसों की हो रही थी वो प्रॉपर नहीं थी, हमने उसमें कुछ कमियां थी उसको एआरएम को भी बताया है और उसके लिए सुधार करने के लिए जो कर्मचारी भी कम थे धुलाई के, महाराजगंज में भी कुछ समस्याएं थी वो हमने उसके लिए सुधार के निर्देश दिए। होली को लेकर क्या तैयारी? होली के लिए हमारा उसी के लिए आज बैठक हम कर रहे हैं। होली के लिए इस बार हम दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस सब के लिए अतिरिक्त सेवाएं चलाएंगे और हमारी इस दौरान ऑफ रोड बसें भी निल रहेगी। हम लोग परिचालक के लिए प्रोत्साहन योजना रहेगी, वर्कशॉप के लिए भी हर साल रहती है, इस साल भी रहेगी और हमारा प्रयास है कि इस बार रिकॉर्ड कर्मचारियों के यात्रियों के लिए रिकॉर्ड सेवा अधिक से अधिक सेवाएं चलाएं। नई बसें भी शामिल कर रहे हैं? नई बसें हमारी 550 नई बसें आ रही हैं 31 मार्च तक और आनी शुरू भी हो गई। आपके गोरखपुर में 10 गाड़ियां आ चुकी हैं एसी की, साधारण 300 बसें हैं इसमें, 250 एसी बसें जनरत नई, ये हम आपको 15 मार्च से शामिल हो नवीनीकरण करके नई बस सेवा आप चलाएंगे। हम नई एसी जनरत बस दे दी गई है गोरखपुर क्षेत्र को, क्षेत्र में हमने चालक हमारे पास कम है उसके लिए हमारा फिर आपके माध्यम से भी अनुरोध है कि जितने ड्राइवर हम रोज हर हफ्ते हमारा भर्ती टेस्ट हो रहा है और ड्राइवरों की हमारे यहाँ 250 ड्राइवर कम हैं, हमें चालकों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है, जो उनका पहले हम एक रुपये 26 पैसे देते थे वो तीन जिले में जो तीन डिपो हमारे जो बॉर्डर से लगे वहाँ 2 रुपये 5 पैसे हो गया पर किलोमीटर। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से ड्राइवर हमारे पास आ जाए, हमारी बसें कुछ चल नहीं पा रही हैं चालकों के अभाव में, उसको हम चलाना चाहते हैं जिससे जनता की सेवा भी हो जाए और अधिक से अधिक क्षेत्र को लाभ मिले। इसलिए ये चूँकि ये परिवहन विभाग के दायरे में आता है तो हम लोगों ने इसके बारे में सूचना दी है, बराबर माननीय परिवहन आयुक्त को भी दी है और क्षेत्रीय जितने आरटीओ हैं उनको भी दी है। आप सब ने देखा होगा कि इस समय परिवहन निगम की भी सेवाएं हर तरफ से हमने प्रदान कर दी है, वो थोड़ा सा एक किराए का जो अंतर आता है हमने उसके बारे में जो ये सेवाएं चल रही हैं कुछ उससे विभाग को भी नुकसान हो रहा है और परिवहन निगम को भी नुकसान हो रहा है परिवहन विभाग को, तो उसके लिए हमारा रिक्वेस्ट है सभी ये आरटीओ से हमने बराबर सूची भी दे दी है कि ये बसें चल रही हैं आपके क्षेत्र में भी, जो बसें प्राप्त यहाँ से जा रही हैं हाईवे से जा रही हैं उसकी सूचना आरएम साहब ने आरटीओ गोरखपुर को दे दी है। सर अनुबंधित बसों के लिए क्या है? अनुबंधित बसें हमारी जो हैं उनका हमने परीक्षण करा रहे हैं, यदि कोई अनुबंधित बस जिसकी स्थिति खराब है 31 पॉइंट पर वो भी चेक हो रही है, पहले कम हो पाती थी, अब निर्देश दे दिया गया है कि सर्विस मैनेजर और एआरएम कोई भी ऐसी अनुबंधित बस नहीं चलेगी जिसकी दशा खराब हो। दूसरा, हम ग्रामीण सेवाओं को और अनुबंधित बस जोड़ रहे हैं, अपनी ग्रामीण सेवा स्कीम है उसमें हमने लगभग 100 बसें गोरखपुर में ही जोड़ने जा रहे हैं जिससे कि ग्रामीण सेवाएँ जितनी उसको ग्रामीण क्षेत्रों को हम और अपने साथ जोड़ सकें। सवाल ये क्या चले जी काठमांडू के लिए? काठमांडू वाली सेवा अगले हफ्ते अगले माह में हम उद्घाटन उसका कराने का प्रयास है हमारा।